हेलो, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज़। आज हम लोग एक बार फिर से मौजूद है कानपुर के किदवई नगर में। बूथ नंबर 6 है ये, और इतने समय हम लोग आलोक मिश्रा के केबिन में, मतलब प्रांगण पर बैठे हुए हैं। आलोक मिश्रा के यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, सब साथी संगी हैं उनके। आइए आज हम कुछ जानते हैं कांग्रेस के बारे में और बीजेपी के बारे में। तो भली बात ही आप जानते हैं कि बीजेपी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ नहीं किया है और क्या कुछ किया है। आने वाली सरकार कौन सी होगी किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर लहर चलेगी तो बीजेपी की होगी कि कांग्रेस की होगी कि सपा की होगी। आइए आज हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अगर आती है तो क्या कुछ खास करेगी। बीजेपी ने तो सब चीज़ें साफ कर दी है कि 400 पार की तो होगी। आइए जानते हैं आज कुछ नई बातें। तो हमारे साथ क्षेत्रीय लोग हैं, आइए समझते हैं इनसे थोड़ा ज्ञान की बातें कि कांग्रेस का ज्ञान किस कदर है बीजेपी के दाव पेज। हाँ तो अंकल जी, आपका शुभ नाम? हमें बेटा दिनेश त्रिपाठी कहते हैं और 67 वर्ष पुराना हूँ, और क्षेत्र के अलावा शहर का भी काफ़ी कुछ देखा हुआ है। जनता के बीच में भी काफ़ी गया हूँ आज की तारीख में। जनता का रुझान किस बात पर है, क्यों है और कहाँ है? जैसा कि अगर बात करी जाए कि इस बार योगी जी अभी आए कानपुर में, उन्होंने बोला कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसा क्यों कुछ बोला उन्होंने? वो इसलिए बोला है कि हम एक शेर के साथ आपको सुना रहे हैं कि योगी जी आवे, मोदी जी आवे, भारत के राष्ट्रपति चले आवे, इससे जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जनता प्रत्याशी का करेक्टर, कैलिवर और पब्लिक के बीच में कितनी आवाज़ें उठाई हैं, किस तरीके से पब्लिक के बीच में रहा है, इस तरीके से आज की पढ़ी लिखी जनता सब कुछ जानती है। एक शेर सुना रहा हूँ कि कारवां तो खुद अपने कदमों पर चलता है, योगी मोदी के कदमों पर नहीं चलता। वो कारवां जो यहाँ लड़ रहा है और दूसरों के कंधे पे जनाजा निकलता है। क्या बात कही, तो ये जो दूसरे के कंधे पे रख के तीर चला रहे हैं, वो बहुत बड़े औहदे पर बैठे हैं, उनसे मिलने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। इतने बैरियर लगे हैं कि आप पहुंच ही नहीं पाओगे। उनकी सिक्योरिटी बहुत हाई है। मुख्यमंत्री तो दूर रहे, सांसद नहीं मिलता है, विधायक नहीं मिलता समय से। तो पब्लिक ये जानती है कि सरल स्वभाव, जनता के बीच का, जनता के साथ खड़े होने वाला, जनता की आवाज़ सुनने वाला और स्वयं जनता की तरीके से रहा, जीवन अपना एक जनता के बीच में उसने पार किया। ऐसे व्यक्तित्व को जनता अब जान गई है। और कोरोना काल के बाद बहुत बड़े बड़े वादा हुए। आप दाल कितने रुपए किलो खा रहे हो? 175 रुपए किलो। तेल क्या रेट ले रहे हो? 150 रुपए किलो। उसमें भी कोई प्योरिटी का नहीं सही है, क्योंकि विभाग जो है ना, विभाग भी उसी तेल से तेल निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो मिक्सिंग नहीं करेंगे तो 200 रुपए पार हो जाएगा, इसलिए 150 रुपए में तेल है। दूसरी चीज, विभागों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। आपको अगर पेट सही करना है, पेट बढ़ गया है आपका, तो केडीए में एक एप्लीकेशन दे दो, चढ़ते उतरते रहिए, आपको कोई दवाई नहीं कराने के लिए, आपका स्वास्थ्य। ऐसे तमाम विभाग हैं, बहुखंडी इमारतें जिसमें पब्लिक जाती है और एक अपनी दरखास्त देती है, वो दरखास्त उनकी चेक बन जाती है, कंप्लेन जिनके खिलाफ कंप्लेन की गई है, और आप दौड़ते रहिए। तो कभी कभी बहुत अच्छे अधिकारी आए हैं शहर में, जैसे हमारे तत्कालीन जिला अधिकारी अभी आए थे, जिन्हें BC चार्ज दिया गया था, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं रहे, उन्होंने परिवर्तन किया, कई को सस्पेंड किया। ऐसे लोगों को कम रोका जाता हो, किसी विभाग में हो। शासन चल रहा प्रशासन से। आज हमारी टैक्स, हमारी इनकम के पैसे से सरकार चल रही है। जो हम टैक्स देते, जो कमाते हैं, उसके बाद भी हमारी सुविधाएं क्या हैं? कोई ऐसा स्कूल खोला गया है कि जिस स्कूल में 60% आप पैसे वालों को दे दीजिए
और 40% उनको भी दे दीजिए जो झोपड़ी में पड़े हैं, उनके बच्चों को आईएएस बनने का अधिकार नहीं है, उनके बच्चों को किसी अच्छी नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है। तो समानता, मेरा भारत महान, मेरा भारत समान कहाँ है? तो इसलिए चांस सबको देना चाहिए, और चांस अगर देंगे, खड़े नहीं उतरेंगे, तो आगे फिर जनता की अदालत में ही आएंगे और जनता इनको बर्खास्त करेगी। लोग जितना पुराने हो जाते, भाई हमने एक दफ़े देखा, दो दफ़े देखा, तिवारा तो हम कहीं ना कहीं झटका देंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत क्या है? दुनिया की जो लोकतंत्र की अदालत में आज हम भारी पड़ते हैं मत दे करके, बाकी तो हम तो जीरो हैं। इस मत के बाद हम जीरो हो जाते हैं, वो हीरो हो जाते हैं। तो उस हीरो के लिए आज का दिन है, जो भी हम लोग निर्णय ले रहे हैं बहुत सुचारू रूप से ले रहे हैं, हमारे बीच के हैं, जाने हैं, समझे हैं, और नहीं खड़े उतरेंगे तो उनके लिए भी वही रास्ता है, ये है। तो जैसे केंद्र की अगर बात करी जाए, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, तीन तलाक वाला भी हुआ, तो क्या इससे कहीं ना कहीं जनता खुश है कि नहीं? देखिए ऐसा है, मंदिर किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये श्रद्धा की बपौती है। ये देश में जो बंटवारा हो रहा है, इस बंटवारे से हमारे समाज के आने वाले भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप ये बताइए कि मोमडन अल्पसंख्यक हुआ, हमारे भारत में रहता है, भारत में उसकी दुकान से हम सब्जी भी लेते हैं, उसकी दुकान पे हम मोटरसाइकिल भी ठीक कराते हैं, तब नहीं मोमडन है वो, तब वो मोमडन नहीं है, वो तब भी मोमडन है। बिल्डिंग में मिस्त्री का काम कराते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब विडम्बनाएँ किसने पैदा कर दी? जो शासन सत्ता में जा करके, और जब हिटलर शाही, डिक्टेटरशिप, ये सब चीज़ें चलने लगेंगी तो जनता फड़फड़ाएगी, और फड़फड़ाने के बाद जनता कुछ ना कुछ समाज के अंदर निर्णय लेगी। देश में जो भी होता आया है, क्या भारत के प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के समझौते के बाद चार टुकड़ों में लेना चाहिए था? एक परिवार के चार भाइयों को चार कोने पर खड़ा कर दोगे तो चारों तरफ से चारों आपस में युद्ध होगा, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये क्या है? तो नी कुछ गलत पड़ी है, लेकिन नौजवान पीढ़ी आके परिवर्तन करेगी, और परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अगर बात करी जाए युवाओं की, तो युवा आजकल के बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ युवा अपने सुसाइड भी कर रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, क्या कुछ नई सरकार से उम्मीद लगाई जा सकती है युवाओं के लिए? हाँ, नई सरकार से उम्मीद ये लगाई जाती है कि नीचे के देश के युवा हैं, दिन प्रतिदिन उनकी मौत हो रही है, सुसाइड कर रहे हैं वो लोग, केवल इस कारण से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको रोजगार नहीं मिला। तो क्या कुछ नई सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं रोजगार के लिए? देखिए ऐसा है कि पुरानी सरकार की पहले बात बता दें, फिर नई सरकार की क्या अपेक्षा रखते हैं? आज तक कितने, आपको पता होगा, आपकी मीडिया दिखा रही है कि बच्चों ने फार्म भरा, दौड़ की, मेहनत की, और उसके बाद पर्चा जम देने तक गए। इतनी एजेंसी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, कि बॉर्डर पर अगर तिनका हिलता है तो दिल्ली में पता चलता है, उत्तर प्रदेश के कोने पर अगर तिनका हिलता है तो तूफान आने वाला पता चलता है। ये नहीं पता चला, पेपर आउट हो गया, पेपर डिक्लेयर कर दो, वैकेंसी डिक्लेयर कर दो, पैसा ऑनलाइन जमा करा लो, और बाद में अधिकारी से कहो कि ये कैसे हो गया, अरे सर पेपर भी खुद ही आउट करा दो, अरे सर ये बाई मिस्टेक आदेश हो गया, तो अब वो पेपर कैसे ख़त्म होगा? उसका एक रास्ता बनेगा, वो रास्ता सबके सामने है। तो युवा का दोष नहीं है, युवा मेहनत करना चाहता है, युवा अपनी शिक्षा का उपयोग चाहता है,
युवा चाहता है कि हमारे परिवार के लिए एक ये हमको स्तंभ के रूप में माँ बाप ने तैयार किया है उनके बुढ़ापे की मैं लाठी बनूं, लेकिन उसके लिए वो जब जाते हैं किसी तैयारी में तो ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, जो भारत के लिए नहीं, अगर दुनिया में ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। उनका पैसा कहाँ गया? उन्होंने पैसा जमा किया कहाँ गया? आप बताइए कि उनका पैसा जो जमा हुआ, इतना पैसा जमा हुआ, कितना राजस्व जमा हुआ होगा पूरे उत्तर प्रदेश में? लाखों लड़का बैठा कहाँ गया? और एक एक लड़के की फॉर्मेलिटीज़ में 500-500 रुपए का खर्चा है, प्लस उनके द्वारा जाने आने मेहनत खून पसीने, एक एक सेंटर पे लड़का 300-300 किलोमीटर दूर पर गया है। ये नहीं सरकार ने सोचा। आज सरकार ये देख रही है कि 400 रुपए की ठिलिया पर सामान रख के बेचने वाला जो जा रहा है, अगर एक कोई जानवर आके ठिलिया पलट दे, 400 की पूंजी में बचाता और फिर 400 रुपए की लेके आके पूरा परिवार चलाता है, उसके लिए कोई मजबूत दिया? योजना दिया आपने प्रधानमंत्री, हर आदमी नहीं 25,000 रुपए किस जमा कर सकता है? हम तारीफ नहीं मायावती जी की कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने समय में जो दिया है वो 50 रुपए की रजिस्ट्री पर गरीबों को रहने के लिए, तन ढकने के लिए दिया 50 रुपए की रजिस्ट्री पर, जिनको भी मिला। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपका कुछ लगना है। आज लोग ऐसे हैं भारत में कि 1 किलो आटे में अगर 2-3 आदमी खाने की जगह है तो 8 आदमी खा रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। और योगी जी चाहे मोदी जी हो, परिवर्तन के लिए एक मरते उन्हें बहुत बड़ी समीक्षा करनी पड़ेगी, अधिकारियों की रिपोर्ट को हटा करके इतनी एजेंसी है जिससे जांच करामे, अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं विभाग के, उनके पास इतनी सीक्रेट एजेंसी है, उनसे जांच करामे, पब्लिक के बीच में गोपनीय भेजें कि पब्लिक किस दशा में पड़ी है, पब्लिक का क्या स्तर है। जब तक ये नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा, नौजवान मारा घूमेगा। और आप ये समझिए, गरीब जो है वो गरीबी में चला जा रहा है, अमीर अमीरी में चला जा रहा है, गरीब की गरीबी बढ़ती जा रही, अमीर की अमीरी बढ़ती जाती है। तो दादा क्या नाम है तुम्हारा? केंद्र में चाहे जिसकी सरकार बने, लोकसभा एक अलग ही निर्णय देगी, क्योंकि इस बार के मुद्दे कुछ ज़्यादा ही खास हैं। नया चेहरा सब देखना चाहते हैं, या पुराना चेहरा भी आएगा तो अच्छे रूप में देखना चाहते हैं। पुराना रूप बहुत लोगों ने देखा, बहुत चीज़ें सोची गई थी, समझी गई थी, लेकिन उस अपेक्षा के द्वारा कार्य नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि 4 जून को आने वाले फैसले पे किसकी सरकार बनती है, कौन विजयी पद से घोषित होता है। ये तो भली भांति सब जानते हैं कि अगर लहर चली तो कमल खिलेगा, अगर लहर ना चली तो पंजा जीतेगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, वीडियो जर्नलिस्ट आर रस्तोगिरी के साथ, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।